तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जो पेंडिंग टेस्ट रिपोर्ट्स हैं और जो कंप्लीटेड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो कैसे काम करता है। इसे हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हम पेशेंट की एंट्री करते हैं और इस तरीके से जैसे हमारे पास एक दिन में बहुत सारे पेशेंट्स आ गए तो उनकी हमने पहले एंट्री कर ली, तो वो जो हम पेशेंट की एंट्री करते हैं और उनसे रिलेटेड उनको कौन सा टेस्ट कराना है तो उससे रिलेटेड एक पूरी की पूरी लिस्ट बन जाती है सॉफ्टवेयर में, जो कि आपका पेंडिंग रिपोर्ट में होता है। और जैसे ही आप सॉफ्टवेयर में अपने टेस्ट रिपोर्ट्स को कंप्लीट करते जाते हैं, उनके वैल्यूज को कंप्लीट करते हैं, तो वो टेस्ट कंप्लीटेड में चला जाता है। और ये बहुत ही आसान तरीके से सॉफ्टवेयर में वर्क करता है, तो मैं इसे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर में करेंगे लॉगिन। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर आपके पैथोलॉजी लैब का नाम शो होगा, यहाँ पर आपकी सिटी शो होगी और यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है। तो बस आपको इस पर डबल क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें पासवर्ड देना होगा, उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे लाइक दिस। और अभी हमारे सामने ये कंप्लीट पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड जो है वो ओपन होकर के आ गया है। तो देखिए, बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर देखिए टेस्ट रिपोर्ट का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट रिपोर्ट आ रहा है और ये टेस्ट रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। जब आप रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ना एक टेस्ट रिपोर्ट्स का एक लिस्ट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर आता है ट्रांजेक्शन रजिस्टर, फिर आता है प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर समरी, प्रॉफिट शेयर, ये है आपका पेंडिंग रिपोर्ट लिस्ट। तो पेंडिंग रिपोर्ट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो टेस्ट रिपोर्ट वाला ही फॉर्मेट ओपन होगा, वहाँ से आप पेंडिंग और कंप्लीटेड देख सकते हैं। ये डेली कलेक्शन रजिस्टर, हॉस्पिटल रिपोर्ट, टूडेज कैश रजिस्टर, पेशेंट वाइज बैलेंस शीट, टेस्ट वाइज कंपैरिजन, डॉक्टर वाइज कंपैरिजन, डेट वाइज कंपैरिजन, डे बुक, लेजर, कैश बुक, अकाउंट बैलेंस शीट लिस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वे में आती है। और यहाँ एंट्रीज में पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। मास्टर में आप लिस्ट ऑफ टेस्ट वगैरह सब कुछ अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी में आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो ये पैथोलॉजी लैब के लिए, डायग्नोस्टिक लैब के लिए एक बहुत ही परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। और सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों कि हमने इस सॉफ्टवेयर के सारे ट्यूटोरियल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में क्रिएट किया हुआ है। पेशेंट की एंट्री कैसे करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, डॉक्टर का कमीशन कैसे मैनेज करेंगे, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने बहुत ही प्रॉपर वे में दिया हुआ है। तो चलिए, हम फटाफट से हमने टेस्ट रिपोर्ट्स देखने हैं कौन से पेंडिंग और कंप्लीट में है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से टेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये टेस्ट रिपोर्ट यहाँ राइट साइड पे भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं एंट्रीज में जाऊँ तो यहाँ पर भी टेस्ट रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, और अगर आप रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर भी आप पेंडिंग रिपोर्ट लिस्ट देख सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको एक जगह मिल रहा है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर राइट साइड में जा रहा हूँ, इस टेस्ट रिपोर्ट पर मैं इस तरीके से क्लिक कर लूँगा। अब जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों, ये देखिए हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक है पेंडिंग और एक है कंप्लीटेड। तो जो टेस्ट रिपोर्ट्स हमारे पास पेंडिंग्स में होंगे वो पेंडिंग में शो करेगा, और जो टेस्ट रिपोर्ट कंप्लीट हो चुके हैं यानी कि आपने पूरा कंप्लीट कर लिया वो आपको कंप्लीट में शो होगा। तो और यहाँ पर आपका डेट शो होता है। तो जैसे इस सॉफ्टवेयर की यही तो खूबसूरती है, जैसे अगर आपको आज के दिन का देखना है कि मेरे पास कितने पेंडिंग में, जैसे मैं अभी का देखना चाह रहा हूँ तो अभी देखिए यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। और अगर मेरे को कंप्लीट में देखना है, देखिए मैंने कंप्लीट में यहाँ पर टिक मार्क किया, डेट सेलेक्ट किया, ओके किया, यहाँ पर भी अभी ब्लैंक आ रहा है। तो चलिए मैं कुछ एंट्रीज को ऐड करूँगा और फिर हमें समझ आएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ और भी डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मुझे एक दो महीने पहले का देखना है कि हमने क्या क्या टेस्ट परफॉर्म किया, उसके बाद हम ओके करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कंप्लीटेड में शो हो रहा है, यानी कि हमने कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स यहाँ पर बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए अगर पेंडिंग पे टिक करेंगे, सेम डेट में देखना चाहते हैं, ओके करेंगे, यानी कि अभी हमारे पास पिछला कोई भी टेस्ट रिपोर्ट्स पेंडिंग में नहीं है। तो और कंप्लीट में अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने कंप्लीट पे क्लिक किया, ओके करूँगा, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये टेस्ट रिपोर्ट्स शो हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि लाइक जो टेस्ट रिपोर्ट्स आप कंप्लीट कर चुके हो, यानी कि वो रिपोर्ट आपने बना लिया है, तो वो आपको कंप्लीटेड में शो होगा। जो टेस्ट रिपोर्ट्स आपके पेंडिंग्स में है वो आपका पेंडिंग में शो होगा। तो एनीवे, चलिए हम फटाफट से एक पेशेंट की एंट्री करते हैं
और जब एंट्री करेंगे तो वो टेस्ट रिपोर्ट ऑलरेडी पेंडिंग में चला जाएगा, जब हम उसे कंप्लीट कर लेंगे तो वो कंप्लीट में चला जाएगा। चलिए इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पेशेंट एंट्री पे क्लिक करना है, और आप देख ही सकते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर में पेशेंट की एंट्री करना हो, टेस्ट रिपोर्ट निकालना हो, ये सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। एनीवे पेशेंट एंट्री पे क्लिक करने के बाद ये विंडो हमारे सामने ओपन होकर के आ जाता है। जस्ट आपको नीचे में न्यू बटन पे क्लिक करना है, तो उसके बाद ये जो आज का डेट है ये डेट ऑटोमेटिक आपका शो करेगा, और यहाँ पर आपको ये भी ऑप्शन मिलता है कि आप प्रीवियस डेट में भी एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एंटर प्रेस करना है, लैब नंबर ऑटोमेटिक आएगा, उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर आपको पेशेंट का नेम देना होता है। तो पेशेंट का नेम एज फॉर एग्जांपल आपका है रोहित, तो यहाँ पर हम रोहित सिंह इस तरीके से मेंशन कर देंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमें पेशेंट का एज देना होता है, तो एज फॉर एग्जांपल पेशेंट का एज है 56। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमने जेंडर सेलेक्ट करा मेल और फीमेल, और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए डॉक्टर के रेफरेंसेज है, जिस डॉक्टर के रेफर्ड से आया वो डॉक्टर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई नया डॉक्टर क्रिएट करना है तो हम प्लस बटन पे क्लिक करके क्रिएट भी कर सकते हैं। एनीवे डॉक्टर सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है अकाउंट रेफरेंस नंबर, अगर किसी डॉक्टर ने कुछ दिया तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आप पेशेंट का मोबाइल नंबर दे सकते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना, ये आपने मेंशन कर दिया। अगेन एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी, सैंपल डेट, रिपोर्टिंग डेट, ये सब ऑटोमेटिक आता है। कैटेगरी आपका ब्लड सैंपल है या फिर किस टाइप का है वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ रिमार्क्स देना है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज ये सारी चीज़ों को मैं स्किप। और उसके बाद हमारा पेशेंट आया और उसने हमसे लीवर फंक्शन टेस्ट कराया, तो ये देखिए लीवर फंक्शन टेस्ट जैसे ही कराएगा तो उसके सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पर शो होता है। तो अगर उसको एक दो पैरामीटर आपको करना है तो एक दो पैरामीटर पर सेलेक्ट करेंगे तो वो पैरामीटर आ जाएगा, लेकिन आपको पूरा LFT करना है तो आपको जस्ट लीवर फंक्शन पर क्लिक करना है, वो पूरा की पूरा टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद उसकी जो टोटल कॉस्टिंग है वो आ जाएगी। अगर पेशेंट ने आपको एडवांस में 400 रुपीज़ पे किया है तो 600 ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि उससे 600 रुपीज़ हमें लेना है, और उसके बाद जस्ट सेव बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ट्रांजेक्शन एंट्री सेव, और उसके बाद हम ओके करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा डू यू वांट टू प्रीव्यू रिसिप्ट, तो अगर आप पेशेंट को रिसिप्ट देना चाहते हैं तो आप रिसिप्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल आपका आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द टेस्ट 1000 है, उसके बाद आपने एडवांस पेशेंट ने आपको 400 दिया, बैलेंस उनसे 600 लेना रह गया, तो ये सारी चीज़ें आपको सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक बताएगा। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका रिसिप्ट जनरेट हो गया दोस्तों। अब इसी तरीके से मे भी हो सकता है आपके पास दूसरा पेशेंट आए, वो भी आपसे कुछ टेस्ट कराना चाहते हो, तो अभी हमने एक रोहित नाम से पेशेंट का यहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट किया, इसी तरीके से दूसरे पेशेंट का कोई और भी टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो वो हम जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो ये जितने भी है ये बस हमने इसी तरीके से पेशेंट की एंट्री करते चले जानी है। सॉफ्टवेयर में ये इतना फास्टली आप कर सकते हैं कि आपके पास कितने भी नंबर ऑफ पेशेंट्स आए बहुत ही आसानी से उनकी एंट्री आप इस सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जैसे हमने पेशेंट एंट्री एक लिया उसी तरीके से एक पेशेंट एंट्री और ले लेते हैं फटाफट जल्दी से। तो देखिए मैंने पेशेंट एंट्री पे क्लिक किया, नीचे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, डेट हमारा ऑटोमेटिक आ रहा है, जस्ट लैब नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर हम पेशेंट का नेम देंगे, तो चलिए यहाँ पर हमने पेशेंट का नेम दिया अंकुर कुमार। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फीचर और भी है सॉफ्टवेयर में जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए आपको सर्च बार का भी बटन मिल जाता है, यानी कि अगर आपका पेशेंट पहले से आया हुआ है तो आप उस पेशेंट के नेम को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 सर्च करा, अब यहाँ से आप उसको एक बार क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, पेशेंट का सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो ये एक बेनिफिट होता है सॉफ्टवेयर। एनीवे यहाँ पर हम एज देंगे 19 ईयर्स, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगेन यहाँ पर डॉक्टर रेफरेंस देंगे, एंटर एंटर एंटर, ये देख सकते हैं आप कितना फास्टली काम करता है दोस्तों। और उसके बाद देखिए अगर आपका पेशेंट किसी भी टेस्ट के लिए आते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल हमारा पेशेंट लिपिड प्रोफाइल के लिए आ रहा है, तो हमने देखिए यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल पे सेलेक्ट कर लिया है। अब लिपिड प्रोफाइल के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स में अगर आपको एक दो पैरामीटर करना है, जैसे कि आपको सिर्फ LDL कोलेस्ट्रॉल और VLDL कोलेस्ट्रॉल करना है, तो देखिए आपने दो पैरामीटर पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर दो पैरामीटर के कॉस्टिंग आ रही है। तो सॉफ्टवेयर में ये बहुत बढ़िया फीचर है कि आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं, और अगर आपको पूरा ही लिपिड प्रोफाइल करना है तो आप सब पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी टोटल कॉस्टिंग आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। अब पेशेंट ने आपको यहाँ पर 1000 एडवांस दिया तो देखिए 700 ऑटोमेटिक बता रहा है, और ये इतने खूबसूरत तरीके
तरीके से काम करता है कि आप बहुत ही आसानी से अपना पेमेंट रिसिप्ट ये सब मैनेज कर सकते हैं कि बिलिंग कितने की हुई है, कितना पेमेंट आपको पेशेंट से लेना रह गया, कितना उन्होंने आपको पे किया, ये सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हैं। एनीवे अब हम इसे क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं अपने टेस्ट रिपोर्ट वाले सेक्शन पे, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए, मैं टेस्ट रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये दोनों ऑप्शन ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पे रोहित सिंह भी आ रहा है और नीचे में अंकुर कुमार आ रहा है। दोनों का एज, जेंडर, उसके बाद रेफर्ड बाय किस डॉक्टर के थ्रू रेफर्ड हुआ है, कॉन्टेक्ट नंबर, कैटेगरी क्या है, कॉस्ट क्या है उनका, और एडवांस कितना पे किया है, और टोटल बैलेंस कितना लेना रहेगा। तो ये खूबसूरती है दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का, क्या ये टेस्ट रिपोर्ट्स अभी पेंडिंग में है, यानी कि आज के डेट में ये पेंडिंग है। अब हम इसे कंप्लीट पे आज के डेट में करेंगे तो देखिए कंप्लीट में हमारा ब्लैंक हो रहा है। अब क्या है कि इस टेस्ट रिपोर्ट को हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो ये कंप्लीट में शो होगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले अंकुर कुमार का टेस्ट रिपोर्ट क्रिएट करना है तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे। अभी जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर बस आपको वैल्यूज इनपुट करनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टेस्ट रिपोर्ट्स बना सकते हैं, और जो नॉर्मल रेंज से आउट ऑफ द रेंज होंगे वो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। तो ये सब ऑप्शन भी आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाता है, जिसे आप बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। मैंने क्या किया कि यहाँ पे सिर्फ एस ट्राइग्लिसराइड्स का मैंने एंट्री करी, उसके बाद देखिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल बाई एसडीएल रेशियो, ये सब ऑटोमेटिक आ रहा है दोस्तों। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है कि जो फॉर्मूलाज है वो ऑटोमेटिक काम करते हैं। ये देखिए, यहाँ तक जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको सारा फॉर्मूलाज दे रहा है। अब बस आपको यहाँ पर कुछ वैल्यूज इनपुट करनी है, कुछ चीज़ें जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो चीज़ें आपको यहाँ पर जस्ट मेंशन कर देना होता है। बाकी जो फॉर्मूलाज वाली चीज़ें होती है दोस्तों, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में वर्क करता है। उसके बाद जस्ट आप क्लिक कर लेना, ओके करेंगे। यहां से आप चाहे तो अपने टेस्ट रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट प्रीव्यू करके दिखाता हूं। तो देखिए, यहां पर हमने जैसे ही प्रीव्यू बटन पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये प्रीव्यू ओपन होकर के आ गया है दोस्तों। और देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है, यहां पर हेडर जो होता है वो हम आपके लैब के अकॉर्डिंग पूरा कस्टमाइज करके देते हैं। आपका पेशेंट नेम, डेट्स वगैरह, ये सब चीजें प्रॉपर वे में आएंगी। यहां पर आपका टेस्ट आएगा, जो भी आपने टेस्ट परफॉर्म किया है। यहां पर देखिए वैल्यूज भी आती है। अब ये वैल्यूज, इसके जो फॉर्मेट्स है, कुछ आपको चेंजेस कराने, कुछ अपने अकॉर्डिंग कराना है, वो सारा कुछ हम आपको सेट करके देते हैं। यहाँ पर नीचे में बार कोड, टेक्नोलॉजिस्ट का नेम, इवन आपके डॉक्टर का नेम, डेजिग्नेशन, उनका एक सिग्नेचर, सारा कुछ हम आपको इंप्लीमेंट करके देते हैं दोस्तों। तो ये बेसिकली एक पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जहां पर आप टेस्ट रिपोर्ट बहुत ही आसानी से अपने पेशेंट को निकाल करके दे सकते हैं। एनीवे फिलहाल मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, अगेन इसे भी क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ से भी हम क्लोज कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने टेस्ट रिपोर्ट में। देखिए, अब टेस्ट रिपोर्ट्स में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पेशेंट की जो डिटेल है वो कंप्लीट हो चुका है, अंकुर कुमार का। तो अंकुर का देखिए यहाँ पे कुछ भी डिटेल नहीं आ रहा है। और कंप्लीट पे अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक किया, ओके करूंगा, तो ये देखिए अंकुर का सारा डिटेल आ रहा है, यानी कि एक टेस्ट रिपोर्ट अब हम बना चुके हैं। तो अब आपको डेट वाइज देखना हो कि मेरे कितने टेस्ट रिपोर्ट्स पेंडिंग में हैं, कितने टेस्ट रिपोर्ट्स कंप्लीटेड हो चुके हैं। तो आप सॉफ्टवेयर से समझ ही सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम इसे भी यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अब फिर से हम अपने टेस्ट रिपोर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर पेंडिंग पे देख ही रहे कि आपको एक पेंडिंग दिख रहा है यहाँ पर। तो चलिए फटाफट से इसे भी क्लिक कर लेते हैं और ये टेस्ट रिपोर्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, टेस्ट रिपोर्ट बनाना कितना आसान है ना दोस्तों। यहाँ पर जस्ट आपको वैल्यू इनपुट करनी होती है, जो वैल्यूज फॉर्मूलाज बेस्ड होते हैं वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने एल्बुमिन का वैल्यू डाला, उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा, ग्लोबुलिन का ऑटोमेटिक आ गया, ईजी रेशियो ऑटोमेटिक आ गया, और यहाँ पर जो भी आउट ऑफ द रेंज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर वर्क करते हैं दोस्तों। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं, और जो भी आउट ऑफ द रेंज होगा वो ऑटोमेटिक रेड भी हो जाएगा। और जस्ट आपको एंटर से आपका सारा काम हो जाता है। आप जस्ट यहां से देख ही सकते हैं कि मैं सिर्फ एंटर प्रेस कर रहा हूं, और यहां से देखिए आप टेस्ट रिपोर्ट को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो इतने आसान तरीके से आपका टेस्ट रिपोर्ट मेंटेन हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, आपको मैंने बताया है कि ये जो टेस्ट रिपोर्ट है इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये टेस्ट रिपोर्ट हम आपको हेडर और फुटर के साथ भी देते हैं, विदाउट हेडर एंड फुटर भी देते हैं, सो दैट कि अगर आपके पास पहले से कोई लेटर हेड है तो आप बहुत ही आसानी से टेस्ट रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अगर आपके पास कोई ब्लैंक पेपर अवेलेबल है तो भी आप टेस्ट रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने आपका लेटर हेड भी इसके अंदर इंप्लीमेंट करके देते हैं। तो ये एक कंप्लीट पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट
सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप पेशेंट की एंट्री कर सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट निकाल सकते हैं, डॉक्टर का कमीशन मैनेज कर सकते हैं, पेशेंट को एक वेल परफॉर्म्ड कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट रिपोर्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका भी कोई पैथोलॉजी लैब है, कोई डायग्नोस्टिक लैब है, आपको कोई एक परफेक्ट पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, हम ये आपको डेस्कटॉप बेस्ड पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो देते ही जो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में बहुत आसानी से इंस्टॉल्ड हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी है, जिससे क्या होता है कि आप डायरेक्टली किसी भी ब्रांच को मेंटेन कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल आपके 3 से 4 ब्रांचेस हैं, आप एक जगह पर बैठ करके मल्टीपल ब्रांच को मैनेज करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे सॉफ्टवेयर से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों पैथोलॉजी लैब के अलावा हम लोग पैथोलॉजी लैब में वेबसाइट सर्विसेज भी देते हैं, सो दैट कि अगर आप होम सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो वो सर्विसेज भी आप आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं। वहाँ पर पेशेंट्स आपके ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आपसे टेस्ट बुक करेंगे, आप उनको होम सर्विस दे सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों कि हम आपके लैब को प्रमोट भी करते हैं, यानी कि जिस एरिया और लोकेशन में आपका पैथोलॉजी लैब होता है वहां पर ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स आप तक पहुंच सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है, इसलिए दोस्तों आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।